सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, जो तैर सकते तैरो, स्विमिंग करो, जो खेल सकते खेलो, कुश्ती कर सकते कुश्ती करो, कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो। और ये ट्रेडिशनल खेल जो बहुत अल्प संसाधनों में हो जाते हैं, कबड्डी कुश्ती से लेकर के मल्ल युद्ध बहुत बड़ा खेल है हमारा, कुश्ती कबड्डी आदि, ये ना कर पाए तो जो जवान है उनको तेजी से ऐसे जो इतनी तेजी से ना कर सके तो इस रिदम से तो कर ही सकते। एक क्षण में अवसाद गायब, ये ऐसा है ये भस्त्री का, तेजी से करें और इससे स्ट्रेस भी गायब हो जाता है और अपने आप जीवन सत्व में, योग में, दिव्यता में, देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, शुद्धो बुद्धो स्वस्थो मुक्तो पूर्ण। तो कम से कम एक दो मिनट भस्त्रिका जरूर करें, कम से कम 3 से 5 मिनट कपालभाति, और युवतियों को तो कपालभाति तो देवाणी जी और आदित्य देव जी कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम भी युवाओं को करना चाहिए, ये ऊर्ध्व रेता होने का एक बहुत बड़ा तत्व है मीनाक्षी जी हुसैन भाई, ऊर्ध्व रेता होना। हनुमान जी ऊर्ध्व रेता थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना है आपको, गृहस्थों को भी कह रहा हूँ और सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए तो ये बात लागू है ईश्वर। बाह्य प्राणायाम यदि 10-20 मिनट निरंतर कर लिया जाए तो व्यक्ति ऊर्ध्व रेता हो जाता है। जितने भी उत्तेजक दृश्य हम देखते रहते हैं, उत्तेजक चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं और उत्तेजक आहार लेते हैं, उत्तेजक कामनाएं, वासनाओं में, तृष्णाओं में हमारी शक्ति का क्षय होता है। आज हनुमान जयंती पर हम ये ऊर्ध्व रेता होने का भी महामंत्र दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी संजीवनी है आज हनुमान जन्मोत्सव पर बाह्य प्राणायाम की। इसको 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं और ऊर्ध्व रेता हो जाएंगे और हनुमान जी की तरह सब योगी महायोगी बनेंगे। स्वामी जी बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के 3 बंद लगाए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है और उनकी बात चल रही है तो युवाओं में कैसे शारीरिक और मानसिक ताकत आए इसकी बात हो रही है, लेकिन देश के युवा तो 25 साल की उम्र में ही जोड़ों के दर्द से परेशान है, उसके भी इसी के साथ उपाय बता दीजिए। मूलबंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों रखे इसमें, बड़ा जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम से तो अष्ट सिद्धि और नव निधियां सबको मिलेंगी, और योग दर्शन में विभूति पाद में, साधन पाद में, समाधि पाद में, कैवल्य पाद में, जिस प्रतिप्रसव योग की, गुणातीत भावातीत योग की बात की, हठ योग में जिसको अग्नि और सोम तत्व कह करके कहा गया, कुंडलिनी योग में जिसमें 72 करोड़ 72 लाख 10 हज़ार 201 नाड़े, अष्ट चक्र, नवद्वार, भत और 37 ट्रिलियन सेल्स का उस, ये आरोग्य की दृष्टि से हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये सब नसनाड़ियों के रोग, नाड़ी तंत्र इससे ठीक रहता है, ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम भी सब अवश्य किया करें। तो 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका, 3 से 5 मिनट कपालभाति और कम से कम 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम शुरू तो करें और फिर ये अनुलोम विलोम, ब्राह्म उद्गीत करेंगे तो जीवन ही पूरा रूपांतरित हो जाएगा मीनाक्षी बहन हुसैन भाई। और वैसे भी स्वामी जी हमेशा आप कहते ही रहे कि प्राणायाम जो है वो 99% बीमारियों का अकेला इलाज है, और जो प्राणायाम कर लेगा वो काफी हद तक बीमारियों पर कंट्रोल कर लेगा और अच्छी सेहत भी हासिल करेगा। और भ्रामरी उद्गीत जैसे हमारी श्रद्धा में बहनें स्टूडियो में कर रही हैं, और आप भी बेटियों करो भ्रामरी उद्गीत, उससे तो पूरी समाधि लग जाती है, सहज समाधि, संतोष सहज समाधि, खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी हम भगवान के सौंदर्य को निहार सके। यो माम पश्यति सर्वत्र वासुदेवा सर्वम, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सियारा मम सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ चुको पानी। तो हुसैन भाई आपकी भी समाधि लग गई थी मुझे लगता है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अभी आप बोल सकते हैं।
स्वामी जी, प्राणायाम के सेशन में अगर कुछ रह गया तो वो करवा दें, उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो भ्रामरी उद्गीत पूरा हो गया, इसके बाद ओंकार और ध्यान का अभ्यास, गायत्री ध्यान, और सहजता हमारी बनी रहे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपना आपा ना खोए, जो कुछ करें अपने स्वरूप में रह करके करें। तो यही आज का मूल मंत्र है कि अपना आपा नहीं खोना, और दुनिया के उथल पुथल में, संघर्ष चुनौतियों में कभी थोड़ा बहुत इधर उधर डीप भी गए तो एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। अब आप प्रश्न ले सकते हो मेरे भाई।